पाने के लिए बहुत कुछ, बट बियर्ड बाबा एक वेक्टर के साथ बिल्कुल तैनात है। और वेक्टर अगर देखा जाए ना क्लोज रेंज के अंदर एक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव वेपन बन भी जाता है, तो आई वांट टू सी के कितने ज्यादा वैल्यू यहां पर निकालेंगे। साथ ही साथ एक ग्लेशियर एम्फल आपको देखने को जरूर मिल जाती है लेवल 1 का, सॉरी एक ही उसके पास बर्स्ट देखने को मिलता है लेवल 2 का हेलमेट है, लेवल 2 का वेक्टर पीपल में यहां पे आके डाकू ने यहां पे कोशिश तो करी बट उनको यहां पर नॉक कर देगा और मेहर की मुश्किलें बढ़ती हैं। टेम्पेस्ट एक शानदार नॉक निकालते हुए क्रिमिनल यहां पे ऑस्टिन को नॉक करेंगे, बट टेम्पेस्ट एक और नॉक निकालते हुए प्री फायर का फायदा यहां पे बनता हुआ और अब रेकनिंग ऑन द बैक फुट बिकॉज़ लेब्रॉन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। बात करेंगे नेड की तो दिखतों में तो ये फंसा दिखने वाला है, डिफ्यूजन 2.0 उनके गाड़ी में डाउन हो रहा है। ग्रेविटी स्पोर्ट्स की तरफ से नेड के क्रिमिनल कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा क्राइम करने का, कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा करेक्शन ढूंढने का क्योंकि अब अकेला बचा है खिलाड़ी और चाहे तो एक्चुअली निकल सकते हैं, चाहे तो फॉल बैक कर सकते हैं, क्यों वो फाइट के लिए आगे जाना चाह रहे थे। और इसका मतलब देखिए जंग में अगर आप सीना दिखाएंगे हर बात चले गए, सबको लगा कोई जाता नहीं है वहाँ पे, बट वहाँ प्लेयर्स थे और एक और प्लेयर टीडब्ल्यूओबी के यहाँ पे नॉक करके जाएंगे। अभी भी यहाँ पे अजमेर काफी ज्यादा गवा चुके हैं, पोजीशन में अगर वो नहीं आए तो वो भी ओपन में पकड़े जा सकते हैं। मुश्किलें बहुत ज्यादा यहाँ पे पड़ चुकी हैं टीडब्ल्यूओबी की और यहाँ सर्वाइव नहीं किया तो लगता है लैंड का रास्ता खराब हो जाएगा इनका। एंटिटी को जीतना चाहिए इस फाइट को, आपका एरिया सर्कल आपको फेवर कर रहा है, कैंप अल्फा के हिल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से स्काउट पहले भी किया, आपने कई दफा इस एरिया के सर्कल को खेला, तो आप वो टीम बन लीजिए जो कि इस पूरी फाइट को जीते। बट देखते हैं क्या यहाँ पे टीडब्ल्यू भी अभी भी यहाँ पे वक्त और जज्बात बदल सकते नहीं बदल सकते, प्लेयरिंग के किसी तरीके से नीचे हाथ आ चुकी है, क्या हाथ लगा जाएगा क्या रिवल दिया जाएगा, लेकिन ये ग्रेनेड बहुत बड़ी साबित होती है। सैफ की ये ग्रेनेड दोनों प्लेयर विक्रम डालेंगे और लीजिए फटेंगे यहाँ पे, एक प्लेयर फिनिश दूसरे प्लेयर नॉक, जायरो गॉड इज द ओनली गाय साइंग फॉर द टीम, बट क्या वो पीछे हट रहे हैं या वो आगे आ रहे हैं, सवाल ये रहेगा बिकॉज व्हाट आई थिंक इज वो पीछे नहीं जा रहे, वो फाइट लेने के लिए ऊपर बढ़ रहे, क्या वो अभी भी कोशिश करेंगे फाइट लेने का। एक्चुअली दो टीमें जो दोस्त के बाद कनेक्शन तो उनको मिला नहीं बट उनके पास इतने बैटेज भी नहीं है और इतनी देर में तो वैम्पर को आगे खत्म कर सकते हैं, बट डाकू ने तो लूट लिया यहाँ पे। आई थिंक स्टडी स्पोर्ट्स को जिस तरह का एफर्ट था हील तो नहीं कर पाएंगे, एक फिनिश एक्स्ट्रा बुल्ले जरूर गए, कोशिश काफी अच्छी थी। बट चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे ग्रेविटी स्पोर्ट्स जोकर टीम से हल्का दूर है, जोकर एक डिफरेंट एरिया में खेल रहे, फोकिंग के प्लेयर्स यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, आईएनएस के खिलाड़ी सर्कल के बाहर मुझे दिखेगा क्रिसोल एग्जैक्टली, बट अब क्या होगा क्योंकि सर्कल तो पानी का रास्ता छोड़ के लैंड पे आ चुका है, तो हम यहाँ पे मिस्टर के लिए दिखते हैं बट वहीं पे जोकर की बात करेंगे दिखते हैं इनके लिए भी होने वाली, एचपी बहुत बड़ा कमोडिटी कर दिया बट अब पीछे से भी स्पेस पड़ेंगे और ये जोकर ने अपनी पोजीशन रिवील की है ये बहुत खतरनाक होने वाली। देखिए ये खतरनाक है बट गिल वहां से कवर दे सकते हैं, उन्होंने वापस कर दिया ना अपने ऊपर, इट सीम्स लाइक दैट गलती से अपने ऊपर ही स्टंट कर दिया मे बी, बट गिल को जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि सार का क्या आ चुके, बट दैट इज इट, जोकर खड़े हुए गलती साबित हुई, ओवन धीरे धीरे आगे बढ़े, एक फिनिश यहाँ पे मिल चुकी है बट जगह नहीं पता है गिल को, सर्वाइव यहाँ पे करना पड़ेगा, गिल अगेन इज इट लोग भी बाहर और अब चलिए फोर विकेट चिकन आ चुका है, गिल फिर से सेकंड तो आ चुके हैं बट क्या वही चीज होगी जो गिल ने की नहीं प्रयास था नहीं कर पाए, एक प्लेयर को नॉक करा बट उसको कंफर्म नहीं कर पाए और इसी के साथ टीम आईएनएस फिर से पॉइंट्स तो लेके जा चुकी है। देखिए सैनमन में हमने पहले भी बताया था कि 10 अंक भी अगर आ जाते हैं तो काफी होते हैं, लेकिन यहाँ तो आप 12 अंक सीधा पोजीशन के ले गए, साथ ही साथ आपने यहाँ पे 5 फिनिशेस निकाल दिए, तो आज 17 अंक के साथ ये जो टीम आईएनएस का गया है वो काफी अच्छा गया है, बट इवन ग्रेविटी प्ले डिसेंटली उन्होंने भी अंक निकाले, इवन डूसलक 2.0 प्ले डिसेंटली उन्होंने भी अंक निकाले, इवन वॉकआउट प्ले डिसेंटली थोड़े से अंक तो उनके पास भी गए हैं, कौन जा रहा है वो 5-6 मैदान पे अभी तक कैसे पता चलेगा हमें।